So, very important question. एंड आई थिंक हर सीकर को विश्व में जिस मर्जी स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी से वो जुड़ा हुआ हो, उसको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए स्वयं से. अब वो क्वेश्चन है, क्या आप अपनी स्वयं की सच्ची अनुभूति अभिव्यक्ति हैं? क्या आप अपने स्वयं की सच्ची अभिव्यक्ति हैं? आर यू अ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ? लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. आर यू अ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ? इट्स अ डीप क्वेश्चन, गहरा प्रश्न है, सोचने योग्य प्रश्न है, ध्यान देने योग्य प्रश्न है. और क्यों पूछ रहा हूं ये प्रश्न मैं आप सबसे? बिकॉज एज वी ऑल ऑब्जर्व दैट अगेन 95% ऑफ अस, मेरी दृष्टि में 95% लोग हम सब में से आर नॉट ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन सेल्फ. वो अपने स्वयं की सच्ची अभिव्यक्ति नहीं है. तो फिर किस चीज की अभिव्यक्ति है वो? वो अभिव्यक्ति हैं अपने कंडीशनिंग की, वो अभिव्यक्ति हैं अपनी टीचिंग की, जो उन्होंने बाहर से सीख के अपने जहन में एक्यूमुलेट कर लिया विदाउट क्वेश्चनिंग. जो सिर्फ मान के चले और जो जो गार्बेज उनके ऊपर डलता गया वो उसको लेते गए और कभी रीढ़ को खड़े करके क्वेश्चन नहीं किया, दैट इज दिस राइट फॉर मी और नो. सो आर यू एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ, या आप एक्सप्रेशन हैं उस सब कंडीशनिंग के जो आपके ऊपर डाली गई, उन सब विचारों की जो आपके जहन में भर दिए गए, उन सब चीजों की जो अनकॉन्शियसली आपने अपने चित्त पे, अपने अपनी बीइंग पे बजा ली, मोरालिटीज के नाम पे या कल्चर के नाम पे या ट्रेडिशन के नाम पे जो सब आपके ऊपर डाला गया. मेरे देखे मोस्ट ऑफ अस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दैट विच वीव गैदर्ड, विच वीव अनकॉन्शियसली गैदर्ड, मोस्ट ऑफ विच इज गार्बेज. खाली नहीं हुए हम. सो हमारी अभिव्यक्तियां करप्टेड हैं, शायद वो स्वयं की अभिव्यक्ति है ही नहीं. मैं अक्सर मित्रों से प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज योर गिफ्ट? तुम इस पृथ्वी पे आए, तुमने जन्म लिया, परमात्मा ने तुम्हें भेजा, एग्जिस्टेंस ने तुम्हें यहाँ भेजा, नर्चर किया, तुम्हें शरीर, आत्मा, मस्तिष्क सब दिया. इसके साथ साथ एग्जिस्टेंस ने एक गिफ्ट जरूर दिया होगा तुम्हें. परमात्मा ऐसे किसी को भेजता नहीं पृथ्वी पे बिना किसी गिफ्ट के, बिना किसी हुनर के, बिना किसी कला के. एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन टू फ्रेंड्स हु आर 50, हु आर 60, ऑफ कोर्स हु आर 40. एंड द शॉकिंग फैक्ट इज, इसमें से मैक्सिमम दोस्तों को अभी तक जीवन में, दे कुड बी सक्सेसफुल हस्बैंड, सक्सेसफुल वाइफ, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, बट टिल नाउ मैनी ऑफ दीज फ्रेंड्स हैव नॉट फाउंड व्हाट इज देयर गिफ्ट. किस प्रकृति ने क्या गिफ्ट दिया इनमें, क्या क्या संदेश दे के भेजा गया इनको, क्या अभिव्यक्ति आनी चाहिए और नहीं ढूंढ पाए अपनी अभिव्यक्ति. वाए, क्यों नहीं ढूंढ पाए अपनी अभिव्यक्ति इतने वर्षों में? क्यों नहीं ढूंढ पाए मैं अपना स्वयं का गिफ्ट क्यों नहीं ढूंढ पाया आज तक? क्यों मेरी अभिव्यक्ति करप्टेड है? क्यों मेरी अभिव्यक्ति सत्य नहीं है जो मैं हूं और जो मेरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए? हाँ, जस्ट टू प्रूव दिस, जस्ट टू प्रूव दिस, आप में से कितने मित्र हैं आज साथ में, अभी वट एवर एज यू आर एट, आप में से कितने मित्र हैं जिनको लगता है दैट दे नीड टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ? है ना, आई एम टॉकिंग प्रोफेशनल राइट नाउ.
वट एवर यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशन इन योर जॉब, आप में से कितने मित्रों को लगता है नो नो यू आई नीड टू बी डूइंग समथिंग एल्स। इफ दैट इज वट यू फील इन योर हार्ट, विच मीन्स अभी अपनी अभिव्यक्ति नहीं मिली, विच मीन्स अभी जो आप काम कर रहे हो दैट वर्क इज नॉट योर एक्सप्रेशन, दैट वर्क इज अ कंडीशनिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम अ कंडीशन सेट ऑफ माइंड। आपका काम आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, इसीलिए काम थका रहा है आपको, इसीलिए काम प्रेशर दे रहा है आपको, इसीलिए काम स्ट्रेस दे रहा है आपको, क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं है। एंड आई एम जस्ट यूजिंग वर्क योर प्रोफेशन जस्ट एज एन एग्जाम्पल हेयर। यू कैन अप्लाई द सेम अंडरस्टैंडिंग, आप यही अंडरस्टैंडिंग रिश्तों में लगा के देखें। आप में से कितने दोस्तों को लगता है कि यू आर नॉट इन द परफेक्ट रिलेशनशिप और यू स्टिल नॉट गॉट द परफेक्ट पार्टनर? अभिव्यक्ति का खेल है ये सारा। जिस दिन आपकी अभिव्यक्ति 100% आपके ट्रू सेल्फ का एक्सप्रेशन आने लगेगा, आपकी अभिव्यक्ति आप ही की स्वयं की अभिव्यक्ति होगी, उस दिन योर वर्क, योर रिलेशनशिप, योर कनेक्शन विद वट एवर यू डू विल बी ऑफ अ वेरी डिफरेंट नेचर, बिकॉज उस दिन आप स्वयं के साथ होंगे, उस दिन आप स्वयं में जानते होंगे व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डोंट लाइक।